मायानगरी में आधी रात से तेज बारिश हो रही है। बारिश के चलते शहर के निचले इलाकों में पानी भरने लगा है। कई जगह सड़कों और रेलवे ट्रैक पर पानी जमा हो गया है। इस कारण ट्रैफिक की रफ्तार धीमी हुई है। बरसात के कारण विजिबिलिटी कम होने से अंधेरी इलाके में 3 कारें आपस में टकरा गईं। हादसे में 8 लोग घायल हो गए। बारिश ने रेलवे की सेवाओं पर भी असर डाला है। मध्य रेलवे पर लोकल ट्रेन 15 से 20 मिनट की देरी से चल रही हैं। कामकाजी दिन होने के कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई के लालबाग, परेल, सायन, दादर, कुर्ला, मुलुंड, भांडुप, अंधेरी, मल्लाड, गोरेगांव इलाके में घुटनों तक पानी भर गया है। चक्रवात की स्थिति से झमाझम बरसात। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने मुंबई में भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए कहा कि चक्रवात की स्थिति के कारण शहर में अगले 2 दिन भारी बारिश होगी। मुंबई में बुधवार सुबह 5:30 बजे तक कोलाबा में 171 मिमी बारिश हुई, जबकि सांता क्रूज में 58 मिमी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ घंटों तक इसी तरह बारिश हो सकती है। बारिश में टकराई 3 कारें, 8 लोग हुए घायल। मुंबई में बारिश के चलते सड़कों पर विजिबिलिटी कम हो गई है। इस कारण बुधवार सुबह अंधेरी इलाके में 3 कारें आपस में टकरा गईं। इस हादसे में 8 लोग घायल हो गए। इन सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कई इलाकों में करानी पड़ रही कृत्रिम बारिश। जहां मुंबई में इस मॉनसून में भारी बारिश के कारण लोगों का जीना बेहाल हो रहा है, वहीं महाराष्ट्र के कई ऐसे इलाके हैं जहां बारिश का नामो निशान नहीं है और राज्य सरकार कृत्रिम बारिश कराकर किसानों को राहत देने की कोशिश कर रही है। मंगलवार को राज्य सरकार ने सोलापुर और औरंगाबाद में कृत्रिम बारिश कराई गई ताकि किसानों को सूखे से राहत मिल सके।